मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बोहड़ापुर इलाके में होटल संचालक राधेश्याम खटीक के साथ गुंडों ने मारपीट की। होटल संचालक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने गुंडों को होटल में शराब पिलाने से मना कर दिया था। उसे लाठी और सरियों से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गुस्साए परिजनों ने बहोड़ापुर इलाके में चक्का जाम कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक ये जाम लगा रहा। वहीं परिजनों ने बहोड़ापुर थाना प्रभारी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने आर्थिक सहायता, अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाने और सुरक्षा के लिए उन्हें बंदूक का लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। देखिए, 2-3 दिन पहले एक विवाद हुआ था दो बच्चों में, जिसमें से एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, घायल थे, उनकी आज इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। उसी के रोष में उनके परिजनों ने और उनके लोग, पड़ोसी और रिश्तेदारों ने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपना रख के किया था। शासन नियमों के तहत अधिकतम आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। उनकी मांग थी कि अधिकतम आर्थिक सहायता दिया जाए, परिवार को एक गन लाइसेंस दी जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। 3 दिन पहले दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को ज्यादा चोटें थी जो अस्पताल में भर्ती था। आज उपचार के दौरान दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। तो इस मामले में पहले से ही अपराध तो दर्ज है, परंतु मृतक के परिजनों ने डेड बॉडी को यहाँ चौराहे पे रखे और जाम लगा दिया था। उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो हमने सुनी है, समझी है। जो भी लीगल मांग्स हैं उन सबको पूरा किया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ ही यहाँ से इन्होंने जो है चक्का जाम हटा लिया है। ये घटना ये हुई थी कि 26 जनवरी का दिन था और 26 जनवरी के दिन हमारा होटल है ट्रांसफर नगर में, और होटल पर ये लोग आए प्रवीण तोमर जी, और इन्होंने आकर के कहा कि हमको दारू पीना है, तो मना किया। बोले हमारे यहाँ दारू नहीं चलता है, बोले चलिए हम जबरदस्ती से पियेंगे। तो उस समय पे मान गए और थोड़ी देर में लौट के चले आए, कम से कम 2 गाड़ी भर के आई और मारना स्टार्ट कर दिया। और आज आपके सामने है कि जो स्थिति हो चुकी है।